तो ये उनका बड़ा झगड़ा है, उसका नहीं है, क्योंकि यहाँ बेटी हमारे एडवोकेट है, अब यही केसों को सामाजिक तौर पे मैं इनसे लड़वाता भी रहता हूँ और पूरी तरह सहयोग करते हैं। इनको इसलिए बुलाया था, जैसे एक आध मीटिंग और भी करेंगे तो दो चार और वकील बुलाएंगे, कि सबसे पहला इशू तो ये है कि इस केस के अंदर बड़ानी हमारा क्या रोल हो। पहले तो हम पार्टी बने, पार्टी अकेले बड़े सामूहिक बैच से कोशिश हो रही है सामूहिक तौर से, क्योंकि सामूहिक लड़ाई ज़्यादा अच्छी लड़ाई होती है। जितने भी यहाँ धर्मशाला वाले हैं आप लोग यदि परमिशन दें तो उन लोगों को बुला के कि यहाँ दो आदमियों का झगड़ा नहीं है, समाज के विभिन्न तबकों के विभिन्न समाज की जातियों के उपजातियों का उनके लिए इंटरेस्ट है, उनको भी कोर्ट सुने। अदरवाइज हम कल को ये दो फैसले देंगे, या तो ए पंडित के पास जाएगा, बी पंडित, बी पंडित के पास जाएगा, हम तो दूर हो गए, क्योंकि यहाँ जो मुद्दा इसी था कि सही या तो उर्मिला ने बताया व्यवस्था सही नहीं थी, खास तौर पर शिकायतें जा रही थी, कहाँ चढ़े में बोतल पड़ गई, ये पड़ गए, ये पड़ गए, और यहाँ झगड़ा तो बहुत तरह के कमाई के हुए। जितने भी मंदिर है, जितने बड़े मंदिर है, हर मंदिर में कमाई का झगड़ा चल रहा है, चाहे वो झंडे वाला मंदिर हो, चाहे ये मंदिर हो या और कोई मंदिर हो। तो इन चीज़ों के अंदर सबसे पहले तो मैं समझता हूँ जो क्योंकि हम लोगों को पहले हमें एक्टिव होना पड़ेगा। 150 साल पुरानी धर्मशाला है, मगर यहाँ पर लोगों को जिनको ज़्यादा पता नहीं था, वो तो 93-94 में मैं एक बार यहाँ से निकला और सटीक धर्मशाला लिखा हुआ था, तो मैंने कहा तो अपनी होनी चाहिए। मैं रणजीत छिलवाड़ जी प्रधान थे टिकटिंग संगठन दबा के, मैं उनसे बात करी, उन्होंने बाबूलाल दसवाला को बुलाया और बाबूलाल दसवाला ने कहा हाँ यार सुना तो था, चौधरी साहब को पता होगा, चौधरी पन्नालाल जी के पास गए, चौधरी पन्नालाल जी हाँ हमारी वहाँ धर्मशाला है, उन्होंने कहा। अब उसके बाद ये भारत राज्य का हमने बहुत चक्कर लगाए काटे, ये किए, तो एक दो चक्कर से हमें कई चक्कर लगाने के बाद हमें यहाँ पर मीटिंग करने की अनुमति दे दी गई। जब हमें अनुमति मिल गई तो उसके बाद हमने मीटिंग करी, मीटिंग करके प्रतीक संगठन सभा का बोर्ड लगा दिया, और बाद में क्या परिस्थिति वहाँ की लोगों की परिस्थिति, क्योंकि हमने बल्कि 5 कमरों की यहाँ बात भी होती थी समाज के लिए, उसमें ज्वालापुरी के लोग भी थे, उसमें मंगलपुरी के लोग भी थे कि हम अपने दे देंगे। बाद में थोड़ी हमारे एंड तो होती है, ये कौन से हमारे कमरे बनाने वाले, और ये उसके बाद वो मामला चला गया पर जो हमारे समय पता है। उसके बाद एक दो बार और सम्मेलन हुए, सत्य जब अध्यक्ष थे उन्होंने भी यहाँ सम्मेलन करके लोगों को चलाए, परंतु कुल मिला के इस समय हमारा यहाँ पर फिजिकली या कोई भी किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं है। तो अब कोशिश ये, जैसे हमारा उस समय भी जब हमने 94 में सम्मेलन किया था, ये उसके अंदर अखबार में फोटो भी आई है उस सम्मेलन की, तो उसके अंदर पूरी तरह से इसके इतिहास को ढूंढ रहे, आपके पास कागज है तो कागज निकालो, यहाँ आके यहाँ किस किस समाज की धर्मशाला है तो अपना पता लग जाएगा वो चीज, जो भी कागजात हो, और इन कागजातों को लेके पहले कोर्ट के अंदर हम किसी को डालेंगे कि भी इसके अंदर डालें और सबको साथ लेके लड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और बाकी उसको मेंटेनेंस तो बाकी बात है, पहले ये तो पता लगे, क्योंकि ये बात तो हो गई कि ये सब टूटेगी, टूट के एक समतल बनेगी और समतल बन के दे दी जाएगी, किसको दे दी जाएगी। यदि आज हम कुछ भी नहीं कर पाए, कम से कम अपना कब्जा यहाँ कायम कर पाए तो हमें तो मिल जाएगा ना हिस्सा, थोड़ा मिले ज़्यादा मिले। तो आज की मीटिंग बेसिकली इसी पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई है ना, और बेसिकली बनाया तो फटिक संगठन सभा वहाँ अजमेरी गेट वालों ने, परंतु अजमेरी गेट वाले या नारी नगर वाला डायरेक्टली फुल फ्लैश रेगुलर नहीं रख सकता, उसमें ये बात होती कि हम जो है 10 आदमी कमेटी बनाते हैं, 5 आदमी घड़ी के लेते हैं, 2-3 आदमी हिस्ट्री गेट से लेते हैं, 1-2 आदमी मदनगिर वगैरह नाच वाला पुलिस तरह करते हैं, 10 से ज़्यादा भी बढ़ जाए तो कोई बात नहीं। तो इसके अलावा के लोगों को लगेगा बिलोंगिंगनेस, हमारी शक्ति है, तो जब शक्ति होगी तो सब लोग पूरे तरीके से काम कर पाएंगे और नजदीक वाले ज़्यादा बेहतरी से देख पाएंगे। आज की मीटिंग बुलाने के पीछे बेसिकली इस पर थोड़ा चिंतन करना, मंथन करना, इससे पहले तीनों ने यहाँ लोकल पोलिस बता दी कि क्या मतलब वाली बात थी, कोर्ट की क्या वो है, और यहाँ का लोकल क्या झगड़ा चल रहा है, राजनीतिक तौर पर क्या है। इस समय जो है कोर्ट ने एक अधिकारी बनाया हुआ है, कोर्ट ने एक अधिकारी नियुक्त किया गया है, और ये मीटिंग भी जो है ना ऑफिशियली मीटिंग के लिए बुलाऊंगी इस समय, मतलब एक बंदा बोला जो अंदर की मीटिंग के लिए हो रही है यहाँ पर, क्योंकि कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाना पड़ा, आपको पता कांटाटू कोर्ट जाना बड़ा खतरनाक है, आप मोदी को गाली कर सकते हो, राहुल गांधी को गाली कर सकते हो, परंतु कोर्ट के खिलाफ नहीं मान सकते, कोर्ट के खिलाफ से तो कोर्ट के आदमी के थ्रू से जाएंगे, तो ये था आप में से किसी और की जो भी खिलाफ सुझाव हो, आप सबसे सारा आमंत्रित हैं कि हम लोगों को
अगला से मैं आग्रह करूंगा कि बेटी से इसको ठीक करवा, आप इसको किसी फोटोग्राफ आप राजू करके राजू राजू आप इसको ठीक करा लोगे तो आप देखिए इसको पूरा ठीक करा के इसको एक अच्छा शीशा बन के आ जाए। इसके बाद आगे क्या करना चाहिए आप सब लोगों को वकील साहब से बात लग गई इसमें क्या सर अभी आप अभी को नहीं नहीं सर मैं तो सुन रहा हूँ बल्कि मेरे को तो बहुत ज़्यादा जानकारी मिल रही थी तो मेरे पास नहीं थी आप लोगों से जानकारी बाकी केस के मामले में बता दीजिए।